आपका स्वागत है बिजनेस लोन की बात के एपिसोड 2 में। तो चलिए आज बात करते हैं पहले लोन की, जिसे हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट लोन। इंस्टॉलमेंट लोन सबसे कॉमन लोन है जिसके बारे में अधिकांश व्यापारी पहले से ही अवगत होंगे। ये लोन छोटे बिजनेस के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। मोर्टगेज या व्हीकल लोन, ये इंस्टॉलमेंट लोन के ही उदाहरण। इसके अंतर्गत जो राशि होती है उसे किश्तों में चुकाया जाता है। अधिकतर किश्तें मंथली होती है, जिसे ईएमआई भी कहा जाता है। इस लोन की इंटरेस्ट रेट के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे बिजनेस कौन सा है, बिजनेस कितना पुराना है, पर्सनल क्रेडिट हिस्ट्री और पर्सनल क्रेडिट स्कोर, और इसके अलावा भी अन्य फैक्टर्स होते हैं। उदाहरण के लिए स्टार्टअप व्यवसाय ज़्यादा रिस्क वाले बोरोअर्स या उधारकर्ताओं के रूप में देखे जाते हैं और इसलिए ज़्यादा ब्याज दर के साथ लोन प्राप्त कर सकते हैं। कई लोन सिर्फ कुछ महीने के लिए दिए जाते हैं, जबकि कईयों की अवधि कई सालों की होती है। अब ये लोन अलग अलग शर्तों और अलग अलग अमाउंट में उपलब्ध होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोन में लग रहे ब्याज या लागत को अच्छी तरह समझ लें। जैसे हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस के लिए कम राशि वाला लोन ज़्यादा समय की किश्तों के लिए चाहिए हो, और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपका बिजनेस शॉर्ट टर्म में हाई प्रॉफिट कमाने की गारंटी देता हो, पर उसके लिए आपको अधिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो। ऐसे में आप अधिक राशि वाला लोन चाहेंगे, चाहे उसकी ब्याज दर अधिक हो। वैसे तो इंस्टॉलमेंट लोन का उपयोग किसी भी चीज़ के लिए किया जा सकता है, लेकिन सबसे स्मार्ट तरीका माना जाता है कि आप किसी बड़ी मशीन या कमर्शियल व्हीकल वगैरह खरीदने के लिए इसका उपयोग करें, ताकि एक साथ आपको इसमें लगने वाली बड़ी राशि ना देनी पड़े और इससे होने वाली एक्स्ट्रा कमाई से आप किश्तें चुकाते रहें। सबसे अच्छी ब्याज दर पाने के लिए आपका बिजनेस वेल स्टेब्लिश्ड होना चाहिए, यानी 2 साल से अधिक समय से तो चल ही रहा हो। इसके अलावा आपके पास पॉजिटिव कैश फ्लो का प्रूफ होना चाहिए और साथ ही अच्छा क्रेडिट स्कोर भी होना चाहिए। आप इंस्टॉलमेंट लोन बैंकों, क्रेडिट यूनियंस और ऑनलाइन लेंडर्स से प्राप्त कर सकते हैं। बस आखिरी बात ये कि लोन लेते समय उसके नियम एवं शर्तें अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। नमस्कार। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।